కెమెరా సెండ్ మీ ఫోన్ అంటే అంతా అయిపోయినా రండి ఓకే इसी महीने 16 तारीख को शाम को अमरपेटा सीआई के पास एक कंप्लेंट आया। ये कंप्लेंट में 5 बच्चियां, माइनर बच्चियां, 12 साल थी उन लोगों का एज। वो 7th क्लास एग्जामिनेशन होने के बाद घर से एक घर के पास जाके मिस हो गया, कंप्लेंट आया। ये किडनैप केस हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के अनुसार वो अमरपेट पुलिस किडनैप केस बनाया। बने के बाद अमरपेट 2 टीम्स, टास्क फोर्स 1 टीम्स, 3 टीम्स वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करके ये बच्चियाँ, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे लोग बच्चियाँ हैं, सो इसीलिए हैदराबाद कोतवाल कमिश्नर साहब पर्सनली सुपरवाइज करके हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया। सुबह में एक बार विजयवाड़ा गन्नवरम लोकेशन आया, बाद में जो टीवी में स्क्रॉल आया ये देखकर विशाखापट्टनम वैजाग जू पार्क में एक विजय था। ये आदमी टीवी देखकर, ये लैंग्वेज हैदराबाद लैंग्वेज देखकर अमरपेट सीआई को बताया। अमरपेट सीआई अपने टीम्स को अलर्ट करने के बाद वहाँ जाके रेस्क्यू कर दिया। पहले ये बच्चियाँ वाराणसी बनारस जाने के लिए प्लान थी, वो लोग पैसा जमा करके काचीगुड़ा गए एग्ज़ाम होने के बाद ऑटो में किंग क्वालिटी लेन से। ये काचीगुड़ा में वो काशी टिकट्स मना कर दिया देने का क्लर्क, ये बच्ची आकर देखकर। वैजाग को 2 बड़ा टिकट्स, फुल टिकट्स, 3 छोटा हाफ टिकट्स लगा के वो सिकंदराबाद जाके सुबह वैजाग जाकर ये पूरा बीच 4-5 घंटे वहाँ फ़ोटोस ले लिया। एक कैलाशगिरी में कुछ फ़ोटोस लेने के बाद जू पार्क आया। जू पार्क खाने के समय में ये जू पार्क कैंटीन का ओनर विजय वो आइडेंटिफाई करके इंस्पेक्टर अमरपेट को इंफॉर्मेशन दे दिया, पुलिस मिनट के रेस्क्यू कर दिया। ये पेरेंट्स ये हालत देखना है, उनका बिहेवियर एटीट्यूड देखना है। हमेशा पढ़ाई 100% पढ़ाई में लाइफ पूरी नहीं होता, पढ़ाई एक पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन पढ़ाई के एडिशनल अलावा बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है। छोटा मोटा इशू में पेरेंट्स के साथ वहाँ घूमने में बहुत खुश मिलता है बच्चों, वो देखना चाहिए। वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कहीं प्लेस जाना है, वो लोग बहुत पूर भी है, सो इसीलिए वो पेरेंट्स मना करेगा ऐसा सोच कर ये बच्चियाँ इतना डेढ़ स्टेप ले लिया। अगर वाराणसी गएगे तो थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा तकलीफ हो जाता था, लेकिन वैजाग में इमीडिएट वैजाग पुलिस, अमरपेट पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन करके उनको रेस्क्यू कर दिया। अभी CWC के थ्रू वो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर। सर, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स हमेशा पढ़ाई, ये ज़िंदगी पूरा पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई इसे एक पार्ट है। इसके अलावा बहुत कोशिश है खेल, वो नौजवानी एनर्जी जाता होता है, एनर्जी टाइम में कुछ प्लेसेस को ले जाना, कुछ घुमाना, कुछ खेल्स गेम्स खेलना, थोड़ा अच्छे अंदर सब मिलकर बात करना, ये नहीं करना है। अगर अकेला छोड़ेंगे वो रूम में जेल तरफ
बंदी करेगा तो इसी मामला इसी टाइप ऑफ इंसिडेंट होता है। बट एनी हाउ टेक्नोलॉजी रूप से आजकल पुलिस बहुत आगे है, वो टेक्नोलॉजी का अनुसार तो विद इन आवर्स मालूम हो गया। लेकिन पेरेंट्स थोड़ा संभाल के वो कॉशियस लेके अपना बच्चों को एटीट्यूड बिहेवियर ये सबको देखकर इसी तरफ इवेंट्स रिपीट नहीं करने के लिए कोशिश करना। ओके सेवन्थ क्लास एक में एग्ज़ाम लिखने के लिए गया था, वो हो गया लास्ट दिन था, वो दिन हो गया, वो आ गया बाद में, उन लोगों ने कुछ पार्टी के वास्ते कर ले रूम बोल के बोला करते दुकान करने, वो कहाँ पे उसका घर में होगा बोल के उन्हें भी कुछ कहाँ जा रहे बोल के नहीं पूछा करते, उन लोग किसके भी नहीं बोले सीधा वैजाग चले गए उन लोग। तो हम लोग डोटा के पुलिस स्टेशन जाके मैं कंप्लेंट दिए, उसके बाद में पुलिस वाले भी अच्छा मदद करे हमारे, तो मीडिया वाले भी अच्छा मदद करे, उसको ढूंढ के वहाँ पे है बोल के हमारे को जब का जब एवरी मिनट हम अपने को अपडेट करके वो आपका बच्चा को कितना हुआ अच्छा है बोल के बोले, उन लोगों का मदद से हम भी जरा वो हिसाब से है हमारा। आप कैसा महसूस करें अभी आपके बच्चे आ गए बोल के? आप बच्चे हैं सर अंदर, पुलिस का पुलिस आपकी के मदद करी आप लोग कैसा महसूस? बहुत मदद करे सब उन लोग, वो पुलिस वाले अच्छा केयर ले लिए उन लोग।